जय श्री कृष्णा दोस्तों। दोस्तों आज की इस वीडियो में जानेंगे भाई दूज की एक बहुत ही सुंदर सी कहानी। दोस्तों भाई दूज कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में द्वितीया तिथि को मनाया जाता है। इस पर्व को मनाने का मुख्य उद्देश्य है भाई बहन के पावन संबंध एवं प्रेम भाव को स्थापित करना। भैया दूज के दिन सभी बहनें अपने भाई को तिलक लगाकर उनके दीर्घायु होने की कामना करती हैं। भैया दूज के दिन भाई अपने बहन के घर में जाकर उनसे तिलक करवाते हैं और भोजन करने के बाद वस्त्राभूषण उपहार स्वरूप भेंट करते हैं। दोस्तों स्कंद पुराण में वर्णन मिलता है कि भैया दूज के दिन यमराज को प्रसन्न करने से पूजन करने वाले की मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। भैया दूज को मनाए जाने की एक पौराणिक कथा भी प्रचलित है जिसे यम यमुना की कहानी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों शास्त्रों के अनुसार यम और यमुना भगवान सूर्य देव की संतानें थीं एवं सूर्य देव की पत्नी संज्ञा थी। सूर्य देव का ताप अत्यधिक होने के कारण संज्ञा अपनी छाया बनाकर उत्तरी ध्रुव में रहने चली जाती है। उसी छाया रूपी संज्ञा से ताप्ती और शनिदेव का जन्म होता है। इसके बाद यम और यमुना के प्रति संज्ञा का लगाव कम हो जाता है। तब व्यथित होकर यम एक नई नगरी बसाते हैं जिसे यमलोक या यमपुरी के नाम से जाना जाता है। यम अपने नगरी में पापियों को सजा देते तो यमुना देख देख कर बहुत दुखी होती। इसी वजह से यमुना गौलोक में निवास करने लगी। परंतु यम और यमुना दोनों भाई बहन में बहुत स्नेह था। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन भाई यम को अपने बहन यमुना की याद आती है। वैसे तो यमराज अपने बहन से अत्यधिक प्रेम करते थे परंतु व्यस्तता की वजह से वह अपने बहन यमुना से मिलने नहीं जा पाते थे। फिर एक दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में द्वितीया तिथि को यमुना अपने भाई को भोजन के लिए वचनबद्ध कर लेती है। ऐसे में यमराज सोचने लगते हैं मैं तो प्राणों को हरने वाला हूँ, मुझे वैसे भी कोई अपने घर नहीं बुलाना चाहता, परंतु मेरी बहन जिस सद्भावना के साथ बुला रही है उसका पालन करना मेरा धर्म है। इसके बाद बहन के घर जाते समय यमराज नरक के सभी जीवों को मुक्त कर देते हैं। अब यमराज यमुना के घर पहुँच जाते हैं। यमुना अपने भाई को घर में देखकर बहुत प्रसन्न होती है और स्नान करने के बाद पूजन करके अपने भाई को स्वादिष्ट भोजन कराती है। इस प्रकार बहन के द्वारा किए गए स्वागत को देखकर यमराज प्रसन्न हो जाते हैं और अपने बहन यमुना को वर मांगने के लिए कहते हैं। तब यमुना कहती है हे भैया तुम हर साल हमारे घर इसी तिथि को आना एवं हमारी ही तरह जो बहन अपने भाई का आदर सत्कार करके टीका करे उसे तुम्हारा भय ना रहे। यमराज ने तथास्तु कहकर यमुना को वस्त्राभूषण भी दिए और यमलोक की तरफ प्रस्थान किए। दोस्तों तब से लेकर आज तक यह पर्व भैया दूज के रूप में मनाया जा रहा है। इसीलिए ऐसी मान्यता है कि भैया दूज के दिन यमराज तथा यमुना की भी पूजा निश्चित रूप से करना चाहिए। अगर धर्म ग्रंथों के अनुसार देखा जाए तो कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष द्वितीया के दिन यमुना ने अपने भाई यम से आदर सत्कार स्वरूप वरदान प्राप्त किया था। यही वजह है कि भाई दूज को यम द्वितीया के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति यमुना में स्नान करके इस दिन यम की पूजा करता है उसे मृत्यु के पश्चात यम लोक में नहीं जाना पड़ता। दोस्तों आशा करते हैं भैया दूज की यह कहानी सुनकर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इसी तरह और भी ज्ञानवर्धक एवं पौराणिक कथा कहानियों को सुनने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं वीडियो में एक लाइक करके कमेंट में लिख दीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।